वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले हैं टीनिंग के बारे में। टीनिंग को लेके इंडिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे गलतफहमियां हैं कि टीनिंग की वजह से फीवर आता है, टीनिंग की वजह से लूज मोशंस होते हैं, टीनिंग में ये दवा देनी चाहिए। ये सब मिसकंसेप्शंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि टीनिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कुछ भी दर्द या कुछ भी तकलीफ बेबी को नहीं होती है। जब दांत बाहर आने वाले होते हैं तो थोड़ा सा गम में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर वो इतना नहीं होता है कि उसको कुछ दवा देनी पड़े या कुछ पेन किलर्स देने पड़े या कुछ टॉनिक्स की गोलियां देने पड़े। इतना डिस्कम्फर्ट वो बिल्कुल नहीं रहता है। सेकेंड चीज़, टीथिंग की वजह से डायरेक्टली फीवर या लूज मोशंस नहीं होते हैं। टीथिंग के टाइम पे बच्चों का आदत रहता है कि वो हर एक चीज़ मुंह में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको चबाने का बहुत मन करता है। जब दांत आने वाले होते तो उनको सब कुछ चबाने का बहुत मन करता है। इसलिए जब भी ये 5 to 6 months ऑनवर्ड्स आप नोटिस करोगे कि वो सब कुछ मुंह में डालना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ हो, टॉयज़ हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, जो भी उनके हाथ में आएगा वो उसे मुंह में डालते हैं। तो इस वह चीज़ की वजह से जब वो ऐसे कुछ भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो उसमें जो जंतु रहते हैं, उसमें जो धूल मिट्टी रहेगी, वही उनके पेट में जाएगी। ऊपर से जब वो खुद का ही हाथ जब चबाते, वो हाथ कहीं कहीं लगे होते हैं, उस पर धूल मिट्टी जंतु रह सकते हैं, वही हाथ जब वो मुंह में डालते तो उसमें से जंतु पेट में जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से उनको लूज मोशन हो सकते हैं, पर टीडिंग की वजह से डायरेक्टली लूज मोशंस नहीं होते हैं। और फीवर भी टीडिंग की वजह से नहीं आता है, ये इसी चीज़ की वजह से जब वो पेट में जो इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से फीवर आ सकता है, पर डायरेक्टली टीडिंग से रिलेटेड कोई फीवर नहीं आता है। इसलिए बहुत गलत चीज़ है कि टीडिंग के टाइम पर बच्चों को फीवर का मेडिसिन दे देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अब टीथिंग को लेके बहुत पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि 6 महीने का हो गया फिर भी अभी तक दांत आना चालू नहीं हुआ है। तो टीथिंग का आपको एक याद रखना है कि दांत आने का टाइम ये एक बहुत बड़ा रेंज है, मतलब 5 मंथ्स पे भी आना चालू हो सकते हैं या 18 मंथ्स पे भी आ सकते हैं। 5 मंथ्स टू 18 मंथ्स के बीच में वो कभी भी आ सकते हैं। थोड़े बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे अगर बच्चा प्रीटर्म हुआ है तो उसके दांत लेट आ सकते हैं, या अगर बेबी के मॉम डैड के दांत लेट आए थे बचपन में तो बेबी को दांत लेट आ सकते हैं, या अगर बेबी का वज़न पहले कम था या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी जब वो माँ के पेट में था तो उसके दांत थोड़े लेट आ सकते हैं। तो ये भी बहुत वेग फैक्टर्स है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। टीदिंग का टाइम एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, तो आपको उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके नेबर के बेबी के दांत 5वें महीने में आ गए, इसलिए आपके बेबी के भी 5वें महीने में आने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल मत सोचना। 5 मंथ्स टू 18 मंथ्स तक आप वेट कर सकते हो दांत आने के लिए। 13 मंथ्स के बाद अगर आपको बहुत ही घबराहट हो रही है तो आप डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो रहते हैं बच्चों के, उनको एक बार दिखा सकते हो। वो यूजुअली एक्सरे करके देखते हैं कि अंदर गम्स के अंदर दांत बने हैं कि नहीं, पर अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 18 मंथ्स तक वेट कर सकते हो। अब उनके गम्स में जो डिस्कम्फर्ट होता है उसके लिए आप घर पर ही होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हो। 4 होम रेमेडीज़ है जो आप घर पर ही कर सकते हो, इसमें कोई भी मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी टॉनिक्स की गोलियां इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 1 है, आपको गम मसाज करना है घर पे, दिन में 3 बार या 4 बार भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि उनके गम को भी मसाज हो जाता है और उनको जो ब्रश करने की आदत है, ब्रश करने की प्रोसेस क्या होती है ये भी पता चल जाता है। तो आगे जा के जब उनके दांत आएंगे तो उनको ब्रशिंग करना बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि उनको पहले से पता होगा कि वो ये क्या हो रहा है उनके साथ। तो गम मसाज के लिए आप डायरेक्ट उंगली से भी कर सकते हो, आपके बस मेक श्योर कि वो आपका हाथ पहले धोने चाहिए, या फिर गम मसाज के स्पेशल ब्रश भी मिलते हैं, या उंगली पे पहनने वाले रबर के ग्लव जैसा भी एक मिलता है जिसको एक साइड पे थोड़े डॉट्स रहते हैं जिसके साथ आप मसाज कर सकते हो, और दूसरे साइड पे ब्रश के ब्रिस्टल्स रहते हैं। सेकेंड आते हैं फ्रूट निबलर्स। फ्रूट निबलर्स में आप ठंडे फ्रूट्स भर सकते हो, वाटरमेलन भर सकते हो, गाजर भर सकते हो, एप्पल भर सकते हो, ये ठंडे करके स्टीम करके भरना, ताकि उनको जब वो चबाने मिलता है, हार्ड चीज़ चबाने मिलती है तो वो गम को ऑटोमेटिक मसाज हो जाता है और वो डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। और जो फ्रूट निबलर है वो हर यूज़ के बाद और हर यूज़ के पहले अच्छे से धो लेना है। स्टरिलाइजेशन फ्रेंडली है तो आप उबलते पानी में उसको स्टरिलाइज कर सकते हो, अगर नहीं है तो उसको नॉर्मल साबुन से अच्छे से हर एक कोना, हर एक रिम उसके अच्छे से धोनी चाहिए। थर्ड चीज़ है आइस। आप बच्चों को 5-6 मंथ्स के टाइम पे आराम से आइस दे सकते हो उनके गम्स के लिए।
पर इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो आइस, अपने आइस ट्रे में पानी जो भरा हुआ है वो फिल्टर का या बॉइल्ड पानी होना चाहिए, और जो आइस ट्रे है वो भी अच्छे से धोया हुआ होना चाहिए। उसमें कोई भी नॉर्मल टैप वाटर नहीं भरना है, या बहुत दिन से स्टोर किया हुआ पानी भी नहीं भरना है, फिल्टर का या उबला हुआ पानी ही होना चाहिए। फिर उसका जो आइस रहेगा वो आप छोटे पीस करके फ्रूट निबलर में भर के उनको चबाने दे सकते हो। ये बच्चों को बहुत पसंद है, वो उसे अच्छे से चबाते हैं और उनको वो बहुत सूदिंग भी रहता है, उससे भी डिस्कम्फर्ट काफ़ी कम हो जाता है। और चौथी चीज़ है फिंगर फ्रूट्स। ये ऐसे आइटम्स हैं जो आप उनको उनके सामने रख सकते हो, जिसे वो उठा के खुद खाने की ट्राई करेंगे, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये 8 to 9 months के बाद चालू करना, क्योंकि तब तक उनको चबाने का प्रोसेस वो सीख जाते हैं, च्यूइंग कैसे करना है वो सीख जाते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारे वीडियोस में आप देखे हो कि ये फिंगर फूड्स आप 6 months से ही चालू कर सकते हो, फिर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 8 months के बाद चालू करना, क्योंकि तब तक उनको खाना खाने का, उसको स्वैलो करने का वो अच्छे से सीख जाते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ उनको चबाने दोगे, कुछ आइटम तोड़ने दोगे दांत से या मुंह से, तो उनको गैग रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। तो 8 to 9 months बेस्ट टाइम है फिंगर फूड्स स्टार्ट करने का। बस ये थी वो चार चीज़ें जो होम रेमेडीज आप घर पे टीनिंग के लिए कर सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखें, कुछ भी मेडिसिन, कुछ भी टॉनिक्स बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है टीनिंग के लिए। आपको बस उनके खिलौने, उनके आसपास का एरिया अच्छे से साफ रखना है, जो भी टॉयज़ है वो भी आपको रोज़ देना है। बस टीनिंग के बारे में इतना ही। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।